हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम 17 मई संडे है और आज हम चैप्टर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 24th सेशन है और 24th सेशन में आज हम भगवान कृष्ण के बारे में, आज हमारा दूसरा पार्ट में हम भगवान कृष्ण के महिमा को वर्णन करेंगे जो ईश शक्ति है। यानी मैंने आपको बताया कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांच विषय हैं जिनको समझे बिना आप कोई भी सत्य नहीं जान सकते। ये सभी पांच सब्जेक्ट मैटर्स जो हैं ये गीता के बैकबोन जैसे हैं। तो जब तक हम ये गीता का बैकबोन नहीं समझेंगे और इन पांचों तत्वों को अच्छे से तत्वों से नहीं समझेंगे, तब तक हमें कोई भी नॉलेज हमारा भ्रमित रहेगा, दिशाहीन रहेगा और हमें और भ्रामक करेगा। तो आप सब मेरे साथ इतने सेशन से साथ में जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि श्रोतागणों के शक्ति से ही हम लोग बोल पाते हैं। भगवान भी कहते हैं कि मेरी शक्ति भक्तों से आती है। वैसे जो कथाकार है या प्रवचनकार है वो उसकी शक्ति जो है श्रोतागणों से आती है। तो मेरी शक्ति आप है, आपकी शक्ति मैं हूँ, है ना। हम एक दूसरे को इस लॉकडाउन में एंगेज कर रहे हैं भगवान को याद करने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय पे आए। हरे कृष्णा। तो ईश शक्ति के बारे में जब मैं बता रहा था तो ईश शक्ति में मैंने कल भगवान कृष्ण के कई तत्वों का आपको दर्शन दिया कि भगवान आखिर में चाहते क्या हैं, क्या हम वेदों से अंत में हमको प्राप्त करना क्या चाहिए, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए। क्योंकि सारे वेद अगर हम रट भी लें तो क्या हमको भगवान मिल जाएंगे? तो भगवान कहते ना हम वेदेर न तपसा न दाने न च इज्जया। अगर तुम सारे वेदों को रट लोगे, सारे वेदों को समझ भी लोगे तो भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप भक्ति करते हो, न्यातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, अगर आप भगवान के अनन्य भक्ति में लगे हो और अपनी चेतना को पूरी तरह जागृत करते हुए, सिर्फ आंखों से नहीं, आंखों से सोना अलग चीज हो गया, लेकिन अपने इसको जागृत करते हुए आप पूर्णतया भगवान के चिंतन में जीवन जीने लगोगे तो ये जीवन भी वैकुंठमय हो जाएगा और इस जीवन के बाद भी जो जीवन आपको मिलेगा वो वैकुंठमय जीवन होगा। तो इस तत्व के ऊपर हमको वेदों को भी पढ़ना चाहिए। केवल वेदिक ज्ञान लेके धनुष बाण बना दिया, न्यूक्लियर वेपन बना दिया, तो भगवान बहुत चालाक हैं, ऐसे ऐसे वायरस पैदा कर देंगे कि आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा। एक बहुत बड़े ज्योतिषकार है जिन्होंने 2018 में लिखा था कि ये जो 30 जून तक, अभी अप्रैल से लेके 30 जून तक एक वायरस आएगा, फिर जुलाई से लेके अगले अप्रैल तक ठीक रहेगा, लेकिन अगले अप्रैल से एक दूसरा वायरस आएगा जो इससे भी ज़्यादा घातक होगा। ऐसे तो लगातार साल जो है वो वायरस के अटैक में रहेगा। तो सोचिए हम कितना भी विद्वान बन जाएं, कितने भी धनुष वेद न्यूक्लियर वेपन बना लें, लेकिन प्रकृति के सामने, उस शक्ति के सामने हम टिक नहीं सकते। तो वेदों के माध्यम से, वेदों में ज्ञान है, शक्तियों का उपयोग कैसे करना है सब दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि शक्ति के चक्कर में हम शक्तिमान को भूल जाएं। भगवान को प्राप्त करने के बजाय अगर हम भगवान की शक्तियों के पीछे भागें तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अर्जुन, मैं जानने योग्य हूं। अब मुझे जानना बहुत आसान है और अगर भगवान को हम अच्छी तरह से जान जाए, हमारा संबंध जोड़ लें, तो इस जागृत अवस्था में हम यहां भी वैकुंठ बना सकते हैं। श्री संप्रदाय के एक बहुत बड़े आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य। श्रीपाद रामानुजाचार्य, इन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद इनके हजारों सन्यासी शिष्य थे, उसके अलावा गृहस्थ तो लाखों के संख्या में थे। तो रामानुज ने प्रचार का जो है वो बाढ़ लाया था और तभी कई शेवाइट बोलते थे कि जो आज के जो तिरुपति बालाजी हैं, वेंकटेश्वर जी, हाँ वो वेंकटेश जी जो हैं वो कार्तिकेय हैं, मुरुगन स्वामी हैं। कोई जो वैष्णव थे वो कहते थे नहीं, ये विष्णु हैं। गुरु के वचनों को लेके और शास्त्रों के वचनों को लेके
तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप वैकुंठ बना सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में वो परिस्थिति आ सकती है। आप कहीं भी हैं तो आप कुछ अच्छा खोजने के प्रयास में समय व्यर्थ मत करिएगा। आप जहाँ हैं इस ईश चेतना से आप मुक्त कर सकते हैं अपने आप को। तो ये जो रामानुज ने अनाउंस किया कि आप में से कौन है जो वहाँ पहाड़ पे, तिरुमला पहाड़ पे जाके, तिरुमला में 7 पहाड़ हैं ऐसे जो अनंत शेष के 7 हुड्स माने जाते हैं, तो वो हुड्स के ऊपर जाके कौन सेवा करेगा, क्योंकि वहाँ खाना पीना रहना मतलब आपको खुद से सब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सभी सन्यासी थे लेकिन होता है मठ में रहेंगे, यहाँ से प्रचार करेंगे, वहाँ कौन जाएगा। तो गुरु के आदेश का, तो एक गृहस्थ भी वहाँ बैठे थे अनंत आचार्य, तो अनंत आचार्य बोले ये अच्छा मौका है कि अपने गुरु के आदेश का मैं पालन कर लूँ तो मेरा जीवन तो फलीभूत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा, हाथ ऊपर किया, है ना। जब हाथ ऊपर किया तो रामानुजर बहुत खुश हुए, बोले जाओ कि आज से जो है पूरा तिरुमला तुम देखो और वहाँ अच्छे अच्छे फूल उगा के आप जो है भगवान को अर्पण करिए। हम लोग भी जब यहाँ इस जंगल में आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, मतलब जो लैंड भी था वो बैरन था, और भगवान को जब यहाँ खड़ा किए थे तो यहाँ पे एक फूल भी नहीं था। हम लोग ज़बरदस्ती एक हाथ दो पत्ते यहाँ वहाँ से तोड़ के भगवान के चरणों में डाल देते, तुलसी का पौधा तक नहीं दिख रहा था। फिर हमने पूरा गार्डन बनाया और फिर आज फ्रेश फ्लावर्स हम भगवान को ऑफर कर पाते हैं, तो ये चैलेंजिंग होता है। तो अनंत आचार्य ने वो पूरा गार्डन बनाया। अब ये वैकुंठ की भावना देखिए, यहाँ भी वैकुंठ वहाँ भी वैकुंठ, ये एक बहुत अच्छा लीला है। तो अनंत आचार्य की जो पत्नी थी, माताजी थी, वो गर्भवती थी और वो ये कहीं गड्ढा खोदते थे या मिट्टी निकालते थे, घास निकालते थे, और वो जो अपने सर पे लेके दूर जाके डंप करके वापिस आती थी। गर्भवती थी लेकिन पतिदेव ने छुट्टी दिया नहीं था, तो छुट्टी दिया नहीं था, तो जब छुट्टी दिया नहीं था तो अब सेवा तो करना पड़ेगा। लेकिन बालाजी जो थे भगवान वेंकटेश्वर, बोलो तिरुमला तिरुपति गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तो वो बालाजी जो भगवान बालाजी थे, उन्होंने देखा कि ये जो भक्त है ये मेरे लिए इतना दूर आया है, और तभी के ज़माने में लोग पाँव रख के नहीं आते थे क्योंकि वो अनंत शेष का हुड था, तो घुटनों पर आते थे, रामानुज घुटनों पर चढ़ते थे पहाड़ को। अगर हम उस परंपरा में चलें तो शायद ही फिर एक दो दर्शनार्थी आपको मिलेंगे, है ना। तो ये अनंत आचार्य वहाँ सेवा करते थे और भगवान को लगा कि अरे मुझे कुछ तो करना चाहिए, तो भगवान बालक के रूप में आए और अनंत आचार्य को बोले कि अरे प्रभु थोड़ा मुझे भी सेवा दीजिए, आप अकेले अकेले कर रहे हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। अजिताभ जी ने लिखा है, पेड़कुंडलवाड़ा वेंगट रमणा गोविंदा गोविंदा। किसी दिन हम आपको पूरा भगवान बालाजी का लीला भी सुनाएंगे, ना किसी दिन विट्ठल जी का लीला सुनाएंगे, किसी दिन नाथ जी श्रीनाथ जी का लीला सुनाएंगे, बद्री विशाल जी का लीला सुनाएंगे, जगन्नाथ जी का लीला सुनाएंगे। भगवान इतने अनंत रूप में है, अनंत जगह है और सबको दर्शन दे रहे हैं, अनादिकाल से दर्शन दे रहे हैं, अनादिकाल से सब भक्तों का प्रेम ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल तत्व में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तत्व नहीं जानेंगे तो सेंटिमेंटल अप्रोच ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, तो ये जो आप बोल रहे हैं ना एड़कुंडलवाड़ा, ये इसका भी एक लीला है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, पर एनी वे जो कभी बाद में सुनेंगे। तो अनंत आचार्य को जब देखा कि बच्चे को बोला निकलो यहाँ से, मेरे गुरु ने मुझे सेवा दिया है और तुम ये सेवा क्यों लेना चाहते हो, ये मेरा सेवा है, तो उसको भगा दिया। तो बच्चा सुनेगा कैसे, वो देखा माताजी प्रेग्नेंट है, तो वो दूर जब फेंकने गई तो ये माताजी के पास गया और बोला कि माताजी ऐसा करिए, आप ना जिधर तक दिख रहा है वहाँ तक आप ले लीजिए, वहाँ से मेरे को दे दीजिए ये, और मैं वहाँ तक फेंक के वापिस आपको ला के दे दूँगा। तो माताजी बोली हाँ ये ठीक है, क्योंकि माताजी का रहता है कि चलो बच्चा है ना, थोड़ा एक प्रेम वाला भाव रहता है। तो उन्होंने लिया और फिर उन्होंने ऐसे सेवा किया, करते 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 जब देखा तो अनंत आचार्य को लगा कि लगता है ये लड़का जो है ये मेरी पत्नी जल्दी जल्दी कैसे आ रही है, और ना थक भी नहीं रही, ज़्यादा पसीना भी नहीं आ रहा है। तो पत्नी को पूछा कि क्या है, तो पत्नी झूठ क्यों बोलेगी, वो बोली कि ऐसे से वो लड़का मेरे पास आया आपके यहाँ से निकल के,
और मुझे फिर मैं रहा नहीं गया, मैंने दे दिया सेवा। तो बोले बोले उसको ढूंढो यहाँ पे। तो उसके पीछे वो एक स्पेड होता है, ऐसा करेंगे ना तो एक छोटा सा आगे वो होता है जिससे वो घास को ऐसे से काटते हैं, आपने देखा होगा। तो वो बड़ा नहीं, बड़ा होता है कोयता होता है, उससे तो बहुत लगता है, उससे नारियल काटते हैं। एक होता है जो ऐसे नॉर्मल होता है, फिर ऊपर में ना ऐसा छोटा सा वो होता है, स्पेड टाइप रहता है। वो लेके वो भागे अनंत आचार्य, बोले किधर है बदमाश लड़का, मेरा बात नहीं मानता है। भागे तो लड़का भी भाग रहा है, छोड़ो जान बचाओ जान बचाओ। करते करते एक पेड़ पे चढ़ गया, तो ये बोले नीचे आओ। बोला मैं नहीं आऊँगा, तुम मारोगे। तो बोले नहीं 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 तुम नीचे आओ, एक तो इस पहाड़ पे कोई आता नहीं है, तुम बालक खेलने का उम्र है, तुम जाओ अपने माता पिता के पास, यहाँ क्या कर रहे हो। बोलते नहीं नहीं मुझे जब मतलब ऐसे लगता है कि ज़रूरी है तो मैं आ जाता हूँ। बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। तो बोले ठीक है, तुम वो नीचे फेंको, तब मैं निकल के निकल भागूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अनंत आचार्य ने जो वो स्पेड था वो नीचे रख दिया। जब वो स्पेड नीचे रख दिया तो ये लड़का उतरा और भागा भागा, तो इन्होंने स्पेड लेके ऐसा वापिस फेंका, ऐसे डराने के लिए, मारने के लिए नहीं, डराने के लिए फेंका। जो ही डराने के लिए फेंका तो भगवान तब तक पीछे पलटे और उनके यहाँ वो लग गया चिन्ह में। इसलिए आप देखेंगे बालाजी को यहाँ पे ना वाइट कैम्फर लगाते हैं, सैंडलवुड और कैम्फर लगाते हैं, आपने देखा होगा जवान जिन्होंने दर्शन लिया, या फोटो में भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यहाँ पे लगा था, उन्होंने मारा, यहाँ लगा। जब यहाँ लगा तो उनको लगा अरे मेरे वजह से इस बच्चे को लग गया। वो भागे 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 और सीधा वो मतलब लड़के के पीछे भाग रहे थे। अब लड़का तो और तेज़ी से भाग रहा है, लेकिन ये लड़का थोड़ी था, तो स्वयं भगवान बालाजी थे। भगवान बालाजी अंदर गर्भ में, वो जो गर्भगृह होता है भगवान का, उसमें चले गए, प्रवेश किए। तो ये पुजारी को बोले अरे पुजारी दरवाज़ा खोलो, वो जो गया ना लड़का उसको लगा हुआ है। तो बोले यहाँ कोई लड़का ना आया ना गया। बोलते नहीं 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 तुम दरवाज़ा खोलो, पट तो खोलो, गया है उसको लगा हुआ है, हमको कुछ दवाई लगाना होगा। तो जब दरवाज़ा खोला देखा बालाजी के यहाँ से खून आ रहा है, तो हाथ जोड़ा और अनंत आचार्य ने भगवान को कहा क्यों मेरे हाथ से आप ये सब कर रहे हो। तो भगवान मुस्कुराए, ठीक है। और यही अनंत आचार्य जब बहुत सेवा कर रहे थे, देखिए भगवान का सेवा करने से आपने उनको खरीद लिया। भगवान को अगर आपको प्राप्त करना है तो आप उसे सेवा कर दीजिए बस, और कुछ मत मांगिए रिटर्न में, मांगने से आप खत्म, वो बिजनेस हो जाता है। हाँ, जैसे कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो लड़का को अगर वो लड़की पसंद है तो उसके लिए बस हेल्प करता है, लास्ट में वो समझ जाती है कि बहुत ही लव्स मी। या कोई लड़की है वो लड़के से प्रेम करती है तो वो अंत तक उसकी सेवा करते रहती है, लेकिन बताती नहीं, लेकिन उसको खुद फील होता है कि अरे ये तो नो रिस्पॉन्सिबली मुझे प्रेम करती है। तो ऐसे फिर देखिएगा, फिर ऐसे लोग बाद में विवाह भी कर लेते हैं, मतलब विवाह के बाद सेवा भाव डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ भगवान को भी आपको खरीदना है तो आप अगर मांगने जाइएगा, भगवान बोलते यार इसको भगाओ, रोज आता है मंदिर, कुछ ना कुछ नया डिमांड करते रहता है। लेकिन जब आप जाइएगा और सिर्फ सेवा कर रहे तो भगवान बिक जाते हैं। हाँ, हे बोलते हैं मैं तो वहाँ वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त होते हैं। भगवान कहते हैं मैं मंदिर में नहीं रहता हूँ, मैं तीर्थों में भी नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ मैं जाता हूँ नारद, जहाँ मेरे भक्त जो है मेरा भजन करते हैं, मुझे याद दिन रात स्मरण करते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। तो कई बार एक ब्रज में एक कहावत है कि किसी बड़े बाबा जी थे बहुत पुराने ब्रज के, तो कोई तो आया मंदिर में, देखा बाके बिहारी जी का दर्शन लिया, राधा रमण जी का दर्शन लिया, और फिर पूछा, बोले सब मंदिर के जो हैं, बोले बाबा जी बड़े पुराने थे और बहुत बड़े संत थे, तो इनको पूछा ये राधा रानी का दर्शन कैसे होगा। तो बोले अगर राधा रानी का साक्षात दर्शन तुम्हें लेना है तो इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर में जाओ, वहाँ स्वयं राधा रानी ही खड़ी हैं। ठीक है, तो राधा रानी जो है वो भगवान स्वयं वहाँ खड़े हो जाते हैं। राधा रानी जो है ये एक बार ये लीला वृंदावन की बहुत प्रचलित है, एक बार इस्कॉन की जो राधा रानी है उनका गले में सोने का चेन, राजस्थान की एक महारानी थी जो बहुत पहले आई थी दर्शन के लिए, तो उन्होंने वो गिफ्ट दिया था राधा रानी को, तो राधा रानी के गले में था। और जब यही महारानी बूढ़ी हो गई और इनका अंत समय आ रहा था, तो पुजारी के सपने में आके बोला कि मेरा ये महाप्रसाद और ये सब जो चीज़ हैं पैक करके वो महारानी को दे दो,
तो पुजारी को लगा कि मतलब ऐसी कोई भ्रांत सपना है, और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो दूसरे दिन डांटी राधा रानी, मैंने कहा तुमने किया क्यों नहीं। तो फिर वो प्रेसिडेंट को बताया, प्रेसिडेंट बोला जाओ अगर ऐसा आदेश हो गया है तो ये सारा पैक करके उनको दे के आओ। और वहाँ दिया तो वो महारानी कह रही थी मुझे, मैं अभी इस समय में केवल वही राधा रानी ही याद आ रही हैं। तो भगवान विग्रह स्वरूप में भी हमसे लीला करते हैं। विग्रह रूप में कैसे लीला करते हैं उसके ऊपर एक अलग चैप्टर ही होगा जो हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अनंत आचार्य सेवा कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे, भगवान को खरीद लिया। भगवान भक्ति इसलिए जल्दी किसी को नहीं देते क्योंकि भक्ति देने के बाद वो सामने वाला सेवक, उसका सेवक भगवान को बनना पड़ेगा। कोई आपकी बहुत सेवा करे करे करे, आप देखिएगा प्रायः कभी बीमार गिरते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं व्यक्ति, तो उसका अगर देखने के लिए कोई ना हो और वहाँ कोई व्यक्ति हो जो नर्स हो या आसपास कोई हो जो प्यार से बात करके, उस वो व्यक्ति का को कोई रिश्तेदार है नहीं तो उसको दवाई खिला दे खिला दे, वो व्यक्ति को अंदर ही अंदर लगता है कि मैं क्या कर दूं इसके लिए, मेरे लिए इतना सेवा कर जबकि मेरा कोई नहीं है। हाँ, वो फीलिंग आने लगता है। है ना, वो अपने आप आएगा। हाँ, मुझे आज भी याद है, हम लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बहुत दूर था, वहाँ किसी को मैंने बताया भी नहीं था एडमिट था, लेकिन मेरे साइड में एक हस्बैंड वाइफ हस्बैंड एडमिट था, तो उनकी वाइफ जो थी कुछ भी खाती थी तो पूछती थी दादा आप खाएंगे क्या। तो मैं मन ही मन सोचा कि अरे वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है आपसे। तो और फिर एक बार उनको भी कुछ इशू हुआ तो मैंने हेल्प किया। तो ये क्या है कि ये एक स्वाभाविक बन जाता है, उसमें कोई बोलने का या लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्वाभाविक प्रेम है जो जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो अनंत आचार्य ने क्या किया, यही अनंत आचार्य फूलों का गार्डन बनाए जा रहे थे। आज भी आप जाइएगा तिरुपति तो ऊपर में आपको फूलों का गार्डन, अनंत आचार्य गार्डन आपको मिलेगा, और वहीं से आज भी फूल जो है भगवान को हार के रूप में चढ़ते हैं, और वही बालाजी का हार अगले नेक्स्ट वेरी ट्रेन से वहां से जाता है महालक्ष्मी कोल्हापुर, और महालक्ष्मी जी को वो हार चढ़ता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा साइंस है। तो अनंताचार्य ने, अब देखिए मैं वैकुंठ की बात कर रहा था, यहाँ भी वैकुंठ वहाँ भी वैकुंठ, मुक्ति खत्म, जो ही आप भक्त बन गए आपका मुक्ति निश्चित हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अनंताचार्य इतना सेवा कर रहे थे इतना सेवा कर रहे थे कि एक बार उनको कोबरा डस लिया। कभी कभी आप खेतों में अगर काम करेंगे तो फिर ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, नेचर के साथ रहिएगा तो नेचर की समस्याएं आएंगे, और बिल्डिंग्स में रहिएगा तो बिल्डिंग्स की समस्याएं आएंगी। समस्या इस दुनिया में आपको छोड़ के जाने वाली नहीं है, लेकिन बिल्डिंग में रहेंगे तो समस्याएं दुगुना तिगुना नॉन सॉल्वेबल हो जाएंगी, लेकिन खेती बाड़ी में रहिएगा तो कम से कम अन्न वस्त्र निवारा तो चलेगा। अभी हमने बैम्बू का 20x25 का हमने ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मचारी कानपुर से कैलकाटा से और अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो ये लोग आ रहे हैं तो हमारे भक्तों के लिए हमने बनाया, तो सिर्फ 20,000 रुपीज़ में हो गया। और ये सब आप ही जैसे भक्तों ने दिया था, अभी हमको बहुत सारे डिवोटीज थोड़ा थोड़ा डोनेशन देते हैं एंड वी आर हैप्पी, क्योंकि हम इकोनॉमिकल ज़्यादा बनाना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि विद्या बढ़े और यू नो मिनिमम इकोनॉमी मैक्सिमम आउटपुट ऐसा हो। तो जितना आप नेचर करते रहिए तो उतना आपका लाइफ जो है ना टेंशन फ्री रहता है, लेकिन समस्याएं फिर भी रहती हैं। तो एक कोबरा था, तो भगवान साक्षात इस बार बच्चे के रूप में नहीं तो साक्षात बालाजी के रूप में उनके सामने आए और उनको कहा कि प्रभु आप दवाई क्यों नहीं करा लेते, ऐसे में तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अनंताचार्य बोले मृत्यु मृत्यु हो गया तो मैं आपके धाम में पहुंच के आपकी सेवा करूंगा, और अगर मैं जी गया तो मेरा इस मैं इस संसार में आपका सेवा करूंगा। तो यहाँ भी वैकुंठ है वहाँ भी वैकुंठ है। और वो बोले मुझे गारंटी है कि ये सांप का जहर मुझे चढ़ेगा ही नहीं। भगवान बोले क्यों, क्योंकि मेरे हृदय में जो काम क्रोध लोभ द्वेष इसका जो विष भरा हुआ है ये इस सांप के जहर से भी विषैला है। तो ये भाव होता है, तो भक्त को भगवान को अप्रोच करते वक्त एक भाव में अप्रोच करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको टाइम के बारे में कैलकुलेशन बता दिया, मैंने काल का कैलकुलेशन बता दिया, कर्म का कैलकुलेशन बता दिया, जीव का तत्व बता दिया, प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। हो सकता है आगे जाके मैं जब कॉस्मोलॉजी बनाऊँ तो बहुत सारा डायग्राम वगैरह बना दूँ, वो ठीक है, लेकिन ये सब टेक्निकली जान सकते हैं, लेकिन ईश्वर को टेक्निकली जानने का तरीका ही नहीं है। टेक्निकली आप जान सकते हैं, मैं अभी चाहता
तो आपको 1500 श्लोक रट 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 एको भाई नारायण आसीन न ईशान न ब्रह्मा ऐसा कर करके मैं आपको सारा श्लोक रट रट के बता देता और आप कहते हाँ 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 वाह वाह प्रभु जी बहुत बड़े पंडित है, लेकिन भगवान समझ में नहीं आते। भगवान एक व्यक्ति हैं और उन व्यक्ति को भी आप जब तक प्रेम नहीं करिएगा, भजताम प्रीति पूर्वकम, जब तक आप भगवान को प्रीतिपूर्वक भजन नहीं करिएगा, आप भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने ईश्वर तत्व को टेक्निकली समझाने से पहले ये कुछ सेशंस रखे हैं, क्योंकि भगवान के रस में जब तक आप नहीं डूबिएगा, आप वो समझ ही नहीं पाइएगा। यू विल नेवर एवर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ एक भाव होता है भक्त का कि मैं प्रभु क्वालिफाइड नहीं हूं, आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड, हाँ, सदा पापे रत नाही क पुण्य रलेश, हमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्य रलेश, परे रउद्वेग दिया ची एकत दिया ची जीवे रक्लेश, पर दुख सुखी सदा मिथ्या भाषी पर सुख दुख कर। मैं ऐसा आदमी हूँ, लेश मात्र तो पुण्य है नहीं मुझ में और पाप में रत हूँ, मिक्स्ड टोटली एनग्रॉस्ड, मजा आता है किसी का दुख सुनता हूँ तो मजा आता है, इतना हरमी हूँ मैं इतना बदमाश हूँ मैं, किसी का सुख देखा तो मुझे जलन होता है, प्रभु बचाइए मुझे मेरे ही अनर्थों से बचाइए। एक बहुत अच्छा कविता एक संतोष माने करके हैं महाराष्ट्र के, यूट्यूब चैनल भी है उनका, बहुत अच्छा है, उनके कविताएं कुछ कुछ रोमांटिक वगैरह है, लेकिन एक बहुत अच्छा उन्होंने कलयुग के ऊपर लिखा था जो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि पहले भी लड़ाई होता था, बहुत अच्छे कविता के रूप में लिखा है, तो फिर अभी कलयुग क्यों, पहले भी ये अन्याय हुआ करते थे तो फिर अभी भी कलयुग क्यों, पहले भी गुरु शिष्य पे अत्याचार करते तो फिर अभी ही कलयुग क्यों, ऐसे बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। तो एनीवेज उनको ये नहीं मालूम है, बहुत अच्छा लिखा है, आप सुन भी सकते हैं, मराठी में है। तो कलयुग का खासियत क्या मालूम है, पहले के युगों में जैसे सतयुग में अन्य ग्रहों से शत्रु आते थे, देव असुर संग्राम होता था, त्रेता युग में दो देशों में खंडों में लंका खंड और भारत खंड में युद्ध होता था, द्वापर युग में दो भाइयों में होता था कौरव पांडव, और कलयुग में युद्ध हो रहा है अंदर ही अंदर अपने से ही। तुकाराम महाराज कहते हैं होनी मनाशी संवाद आपलाच वाद आपल्याशी, ये कलयुग में ऐसा है कि अपना ही लड़ाई अपने से ही लड़ना है और किसी से लड़ना नहीं है। इसलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भी जो दवाई लाने दिए इस कलयुग में, ए नेची औषधि माया नशीबार लागी हरि नाम मंत्र लाओ तुमी मागी, हे प्रभु आपने क्या किया, इस बार जो प्रॉब्लम है ना वो इंटरनल है, तो इसलिए आपने हरि नाम का दवाई दे दिया, और ये हरि नाम का दवाई ऐसा है कि ये पेशेंट को ठीक कर देता है बिना पेशेंट को मारे, ये उस व्यक्ति की सारी अनर्थों को ठीक कर देता है बिना उसे मारे या उसको ख़त्म किए या उसकी इच्छाओं को ख़त्म किए, उसकी अनर्थ जो है वो अर्थपूर्ण हो जाती हैं, उसकी दुर्भावना जो है वो सद्भावना हो जाती है। तो ये महामंत्र की शक्ति है, मंत्रों में भी फ़र्क होता है, मैं वो टेक्निकल वो एक और एक चैप्टर लूँगा कि कौन सा मंत्र कहाँ तक काम आता है, और इस हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है, ठीक है। तो ये भाव समझिए कि भगवान के पास, मतलब अब ईश की जब बात आएगी, ईश तत्व की, ईश्वर की जब बात आएगी, तो कई बार अगर आप ये भाव नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा अरे ये कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, क्यों भगवान चाहते हैं हम पे कंट्रोल करें। कोई मुझे कह रहा था प्रभु ये भगवान बदमाश हैं क्यों, बोले ये हर चीज़ में बोलते हैं मुझे शरणागत हो जाओ वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वही सब कुछ है, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको भटकता हुआ नहीं देख सकते। तो भगवान को अप्रोच करने के लिए वो भाव चाहिए, वो प्रेम चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास साधना चाहिए।
ये नहीं कि आप अचानक से भाव बोल सकते हैं मुझे भाव आ गया, नहीं, उसके लिए साधना चाहिए। उसके लिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप 16 माला जप करिए। पहले तो प्रभुपाद जी 64 बोले तो सबको समझ में आ गया आजकल की भक्ति दुनिया में 1664 तो होगा नहीं। करते करते प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है 16 तक लेकिन ज़रूर करना। फिर 16 माला जो है सब लोग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जैसे हम लोग को ये माला होता है, ठीक है, ये जो माला है इस माला पे जप करते हैं। आप कहीं भी इस्कॉन डिवोटीज आपके आगे पीछे कहीं होंगे उनसे सीख सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। वैसे हमारे पूरे फेसबुक में और व्हाट्सएप वर्ल्ड में हरे कृष्णा डिवोटीज, आप कहीं भी जाइए आपको कोई भी सिखा देगा। तो ऐसे कोई भी आपके आसपास कोई भी माला मिल रहा है, लकड़ी का भी मिल रहा है, कुछ नीम का मिल रहा है, रुद्राक्ष मिल रहा है, उस पर भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जप करिए, क्योंकि जप करेंगे तब आप भगवान को समझने के क्वालिफिकेशन के दरवाजे पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि भगवान के साथ जो संबंध बनाना है इसमें भी अनेक रस हैं। आज का एक्चुअली हमारा वही विषय है कि भगवान को आप अलग अलग रस में जान सकते हैं, ठीक है। तो आज तो वो पांचों रस जो है मेन, उसको आज कवर नहीं कर पाएंगे, जो कल करेंगे बहुत सारे लीलाओं को बताते हुए। लेकिन आज मैं आपको भगवान के भक्त वत्सलता के बारे में बताऊंगा। भगवान जो है, आप जितना जितना तीव्रता से वहां नहीं जा रहे हैं उतने आतुर और तीव्रता से भगवान आपको अप्रोच करते रहते हैं। भगवान हर बार हमको इंडिकेट करते हैं कि मेरे पास आ जाओ, सब छोड़ दो, लेकिन हम नहीं छोड़ते। हाँ, फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं, इस संसार से हमारा फेविकॉल का जोड़ है छूटता ही नहीं। कई बार पति जो है वो पत्नी से लड़ जाता है, बोलते बस अब हम, अभी लॉकडाउन में तो बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, एक दूसरे का मुँह वैसे भी नहीं देखना चाहते थे, अब तो और भी नहीं देखना चाहते, है ना। तो बोलते हैं कि मैं तो अब घर छोड़ के चला जाऊँगा, आज से मैं घर नहीं आऊँगा, मैं संन्यास ले लूँगा, और शाम तक वापस घर आ जाता है। फेविकॉल का जोड़ है, छुट्टा नहीं, ठीक है ना। मोह माया जो है, मोह शक्ति जो है, वो कभी छोड़ती नहीं किसी को। तो भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। गणेश चौरे जी पूछ रहे हैं, बहुत बार जप करते समय मन ध्यान क्यों भटकता है? ध्यान तो भटकेगा क्योंकि हमारे मन में हमने बहुत सारे पूर्व वासनाएं लेके रखी हैं, तो पूर्व वासनाएं जो है वो बीच बीच में जागती रहेंगी। ऐसा आप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे, अरे आज का होमवर्क किया क्या, आज आपने वो काम किया क्या, और तभी दिमाग और तेज चलता है, मन चाहता है कि चुप बैठो, वहाँ ध्यान मत दो इसलिए सुबह के समय उठ जाइए। आज मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा कि व्हाट्सएप या कि पता नहीं कहीं पे कमेंट में पूछा कि प्रभु जी मुझे ना रात को नींद नहीं आती। मैंने बोला सुबह 3 बजे उठो, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ो, जप करो, सेवा करो, दिन भर सो मत, अपने आप 8 बजे गिर जाओगे, ठीक है। तो अगर आप रात भर दिन में 11 बजे उठोगे तो रात में नींद आएगा कहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारी हमारी वासना है, उसकी वजह से नहीं बच कर पाते हम लोग। तो इसको धीरे धीरे, कोई चिंता मत करिए, धीरे 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 वो वासनाएं भी जो है इवेपरेट हो जाएंगी। इवेपरेट यानी भाप निकलता है ना पानी का, इवेपरेट होता है, भाप निकल जाएगा, सारा कचरा ढाए 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 करके सब खत्म हो जाएगा। कोई मेरा व्हाट्सएप नंबर पूछ रहा है, मेरे को आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं 8808423269, ठीक है। इस पे आप जो है ये कर सकते हैं, एक मिनट मेरे को कृपया करके, मैं जब लेक्चर दे रहा हूँ तो पिंग मत करिए, क्योंकि तो ये ऐसा है कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल कहलाते हैं, और भगवान जो है ये हमारे हमसे भी ज़्यादा आतुर होते हैं, हमें मिलने के लिए बहुत आतुर होते हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, भीष्म के बारे में आपने महाभारत में भी सुना होगा। भीष्म जो थे वो थे कौरव के साइड में, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, बहुत बड़े भक्त थे, और वो हमेशा चाहते थे कि पांडव जीतें। इसलिए उन्होंने जाने से पहले भी उन्होंने क्या किया, खुद ही युधिष्ठिर को अपना तोड़ बता दिया, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु था, आप कभी भी जो हैं इनको मार नहीं सकते थे भीष्म को, उनको इच्छा मृत्यु था, वो गंगा के पुत्र थे, हाँ माँ गंगा के पुत्र थे। बोलो गंगा मैया की जय। और गंगा जी के ऊपर भी एक लेक्चर होगा किसी दिन। गंगा जी जो है मोल्टन राधा एंड कृष्ण है, जो राधा और कृष्ण पिघल जाते हैं तो उनका जो बनता है उससे जो बनता है वो, तो अब गंगा जल जो पीते हो राधा और कृष्ण कंबाइंड H2O है, वो H2O एक्चुअल H2O
तो हरा और हरी दोनों है, वो H2 है वो, मतलब आप आपका कॉम्बिनेशन बीच में, तो इसलिए गंगा जो है पवित्र है, पवित्रों। तो भगवान जो है भीष्म को, अब भीष्म और भगवान का संबंध देखिए, भीष्म थे कौरव के साइड में, लेकिन भगवान हमेशा कहते हैं कि जो मैं मेरे भक्तों का शब्द जो है हमेशा रखता हूँ, इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत यानी जो अपने भक्तों के शब्द को कभी नहीं गिरने देते। वैसे अच्युत का मतलब होता है जो गिरता नहीं, लेकिन क्या नहीं गिरता भगवान का? भगवान तो भगवान है, उनका क्या नहीं गिरता? उन्होंने जो ये वचन दिया है, न मे भक्ता प्रणश्यति, मैं मेरे भक्तों को गिरने नहीं दूंगा, वो चीज़ जो है वो भगवान हमेशा एक्टिव रखते हैं। भगवान इसलिए भक्तवत्सल कहलाते हैं, अच्युत कहलाते हैं। तो भीष्म जो थे, भीष्म देव ने वचन लिया था कि आज के दिन मैं सारे पांडवों की हत्या कर दूंगा, और मैं इतने अर्जुन पे तीर चलाऊंगा, इतने तीर चलाऊंगा कि कृष्ण को मैं शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा। क्योंकि कृष्ण ने वादा किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल सारथी बन सकता हूँ। तो दुर्योधन सोचा, फिर तुम्हारा लेके क्या फ़ायदा, उससे अच्छा है कि मैं आपकी नारायणी सेना ले लूँ, पूरी अक्षयोनी सेना, नारायणी सेना इतनी पावरफुल। तो उन्होंने क्या किया, जो भीष्मदेव हैं उन्होंने वचन तो ले लिया, अब भगवान को इनका भी वचन रखना है, भले वो कौरव के साइड से हैं लेकिन उनका वचन है तो उनके वचन को भी रखना है। उस दिन भीष्म तीर पे तीर चलाए जा रहे थे अर्जुन को, ताड़ 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 ताड़, इतना कि वो पूरा का ऊपर का वो उड़ गया, नीचे का वो चक्का उड़ गया, क्या क्या नहीं हुआ। तो भगवान ने वो चक्र लिया, वो जो रथ का गिरा था, उठा के जोर से चिल्लाए, बोले भेष, भागते हुए गए उसके पास। और भीष्म जो है वो भी उस लेवल के भक्त है, वीर रस कहते हैं उसको, कल हम चर्चा करेंगे अलग अलग रसों का भक्तों के, भगवान के साथ। वो ऐसे खड़े हो गए, छाती टान के फेंक दिया धनुष और तीर, बोले मार, अपना वचन तोड़ दे, यही मैं चाहता हूं। तो भगवान जो है वो भीष्म के चक्कर में अपना वचन तोड़ दिए, लेकिन अपने भक्त का वचन टूटने नहीं दिए। इसलिए कभी अगर आप कुछ सोचते हैं तो किसी का बुरा मत सोचिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे वजह से किसी का बुरा हो जाएगा। इसलिए वैष्णव जो हैं, हाँ, सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जो भक्त हैं वो हमेशा सबका कल्याण सोचते हैं। जीसस क्राइस्ट भी जो थे वो हमेशा सबका कल्याण सोचते थे। उनको जिन्होंने मारा तो उन्होंने भगवान को कहा, है ना, लॉर्ड फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे डू, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। कोई संत है वो अपने पे मार खा लेगा, फिर वो क्यों गाली देगा, है ना। तो ऐसा है, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो दयालु होता है। वैष्णव जो होता है वो दयालु होता है, इसलिए भगवान वो भक्तों के आगे पीछे रहते हैं। हाँ, मैरी मैगडलिन करके जो वेश्या थी, वो जब जीसस के पाँव पे गिरी, उसको सब पत्थर मारने वाले थे, कि उधर तब नियम था अगर कोई ऐसा अव्याभिचारी व्यक्ति मिले तो वो उसको पत्थर से मारते थे। तो सबने देखा जीसस क्या बोलेगा, जीसस को बोला, जीसस आपको क्या लगता है ये हो रहा है? हाँ, तो उन्होंने बोला कि एक मिनट, ये बस मेरे को पिंग मत करिए, इनको समझ नहीं रहा है लोगों को। तो जीसस ने कहा कि ठीक है, तुम में से जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया है वो कृपया करके आप मारिए, आप जो है आप इसको मार सकते हैं। लेकिन सबने कुछ ना कुछ पाप किया ही रहता है, सबने पत्थर छोड़ दिया। तो मैरी मैगडलिन उनके पाँव में गिरी और रोई, तो बोले ओ लेडी, आई फॉरगिव यू बट सिन नो मोर, आज के बाद कोई पाप मत करना। ये नहीं कि माफ़ कर दिए तो पाप करते रहो। हाँ, जैसे मॉडर्न डे क्रिश्चियन लोग करते हैं, हर सैटरडे तक पाप करके फादर से कन्फेस करके फिर संडे टू चल रहा है अपना काम। वैसे नहीं चलेगा, वो आप फादर को कन्विंस कर सकते हैं, वेटिकन को प्लीज कर सकते हैं, लेकिन गॉड इज नॉट गोइंग टू बी प्लीज्ड बाय यू, नाइदर जीसस, ठीक है ना। तो संतों को समझिए। तो यहाँ पे भगवान इतना ख्याल रखते हैं कि अपने भक्त का शब्द नीचे नहीं गिरने देते। हाँ,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत चंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो आप ये गाढ़ा संबंध समझिए ईश्वर का जीव के साथ, ईश्वर का जीव के साथ इतना गाढ़ा संबंध है। ऐसा कहते हैं प्रारब्ध जो है तथास्तु 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 करते रहता है, तो अगर आप कुछ बोल देते हैं ना तो बाद में हो जाता है, इसलिए कभी बोलना भी नहीं, सोचना भी नहीं, कभी किसी का अहित मत सोचना। हाँ, कई लोग बोलते हैं प्रभु जी पॉजिटिव थिंकिंग पे लेक्चर दीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग का पहला प्रिंसिपल है कि पॉजिटिव थिंक करो, उसी में बहुत कुछ हो जाएगा। और कलयुग में तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी का पॉजिटिव सोचते तो उसका फल भी मिल जाता है। अगर आप अभी जैसे बहुत लोग रास्ते से चल के जा रहे हैं, आप उनको खाना नहीं खिला पाएंगे, अगर आप खिला सकते तो बहुत अच्छा है, नहीं खिला सकते तो मन में भी अगर दे रहे हैं तो बहुत बड़ा चीज़ है। आजकल कलयुग में लोग जो है मन में भी नहीं कर पाते। प्रहलाद महाराज जो थे, नरसिंहदेव पहले कभी प्रकट नहीं हुए, नरसिंहदेव वो प्रहलाद को हाथी के बीच में फेंका प्रकट नहीं हुए, वो सांपों के बीच फेंका प्रकट नहीं हुए, ऊपर पहाड़ से फेंक दिया प्रकट नहीं, बचा लिया पर प्रकट नहीं हुए। लेकिन जब सवाल आया कि उसको पूछा गया कि इस दीवार में भगवान है, उसने स्वीकार किया, तो अगर वो नहीं प्रकट होते तो प्रहलाद के शब्द का कीमत खत्म हो जाता। तो अपने भक्त के शब्द की कीमत को रखने के लिए भगवान तब प्रकट हो गए। एक पीर आगम जी पूछ रहे हैं प्रभु जी हम पूरे प्योर भक्ति हैं कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? हम मॉडर्न लोगों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम जो मॉडर्न मतलब जो भी अभी तथाकथित मॉडर्न जीवन जी के अपना भक्ति में लगे हुए हैं, हम लोगों का एक प्रॉब्लम है, हम हर कुछ है ना मेजर करते हैं। मेजरमेंट समझ रहे हैं? मेजरमेंट मतलब जैसे मॉडर्न साइंटिस्ट बोलेंगे हाँ तुलसी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो फ्रेश ऑक्सीजन देती है, उसका भगवान से कनेक्शन तोड़ देंगे। हाँ, या वो कोई अपने गर्लफ्रेंड का वो कैसी गर्लफ्रेंड दिखती है तो पहले लोग बोलते थे कि उसका ऐसा चरित्र, अब वो स्ट्रक्चर और आकार बताते हैं। हाँ, कोई आदमी के बारे में बोलता है तो वो इसका इतना बैंक बैलेंस है। तो हर कुछ हम मॉडर्न टाइम में मेजर करते हैं। कोई मिनिस्टर है सक्सेसफुल कितना है तो वो एक पीपीटी बना देता है कि हमने 20 लाख करोड़ बांटे हैं, हम ये किए हैं, हम वो किए हैं। अरे फर्जी, इधर किसी का 2 रुपया नहीं पहुंच रहा है। तो डिजिटल तो हर कोई सोशल मीडिया में दिखा रहा है, हमने गरीबों का जाने वाले यात्रियों का टिकट हमने निकाला, यहाँ सारी दुनिया अपने अपने जगह पे फंसी हुई है और टिकट आपने किसका निकाला? 4 लोगों का टिकट निकालने से क्या होता, तो मैं भी निकाल दूंगा। तो हर कोई आज मॉडर्न स्टाइल में ना डिजिटल दिखाना चाहता है कितना कितना। तो ऐसे भक्ति को नहीं मेजर किया जाता है। तो कृपया करके पहला है कि भक्ति को मेजर करना बंद करिए। हर ग्लास अपने में फुल है, आपका अगर इतना ग्लास है उसमें पानी फुल है, उसके बाद भर के कोई फायदा नहीं। जैसे आपको अगर एक ग्लास पानी की ज़रूरत है, एक ग्लास मिल गया, उसके बाद आप समुंदर पीने की इच्छा नहीं करेंगे, आप नहीं सोचेंगे पूरा टैंक सिंटेक्स का टांकी मेरे मुंह में डाल दो, नहीं, इतना ज़रूरत था हो गया कि आपने क्वेंच कर लिया अपने थर्स्ट को, आपने अपनी प्यास बुझा ली। वैसे ही आप अगर खाना चाहिए तो एक प्लेट खाना हो गया, तो सेटिस्फाई रहिए जहाँ आप हैं, उधर से आगे आप सेवा करते रहिए, भगवान की कृपा आप पे होगी। हाँ, आप कृपा की याचना जरूर करिए। तो भक्ति में शुद्ध भक्ति तब होती है जब भगवान की कृपा हो जाती है, और भगवान की कृपा जब हो जाएगी ना, आप ये सवाल किसी से नहीं पूछिएगा। आप नहीं समझे, ओ जब आपको खाना हो ही जाएगा, आपका पेट भर गया, अब ढका आ ही गया, तो अब आप कैसे पूछेंगे और क्या क्या बना है? आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपने ये पूछ रहे हैं मतलब आपको अभी भी कृपा ज़रूरत है, आपको ऐसा लग रहा है। तो आप वैष्णव की सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए, जो माध्यम से हो सके उस माध्यम से करिए, आर्थिक सामाजिक वैचारिक शाब्दिक जो सेवा हो सके करिए, और भगवान को हमेशा प्रसन्न करने का प्रयास करिए। बाकी ये मत सोचे मेरा प्योर भक्ति हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सामने वाला प्योर भक्त है नहीं है। हाँ, एक बार मुझे किसी व्यक्ति ने बोला कि प्रभु जी ये जो प्रभुपाद के शिष्य हैं ये लोग शुद्ध नहीं हैं, इसलिए हम जो हैं उसी प्रभुपाद जी को मानते हैं। तो मैंने कहा भैया अगर प्रभुपाद जी शुद्ध शिष्य नहीं बना पाए तो फिर प्रभुपाद जी भी शुद्ध नहीं बन रहेंगे, तो फिर प्रभुपाद जी को भी तुम कल नहीं मानोगे, तो ये गलत धारणा है। हमको देखिए ध्रुव महाराज ने कहाँ से शुद्ध भक्ति मिला है, ध्रुव महाराज की तीव्रता थी। आज जब उनकी तीव्रता देखा भगवान ने तो नारद को भेज दिया भैया इसे मंत्र दे दो, नहीं तो ऐसी जंगल में जाके कांटे कूटे सांप के बाहर बैठा रहेगा बिना मंत्र का, तो जाके मंत्र दे आओ। जब देखेंगे भगवान की आप आतुर है तो परमात्मा है, वो तो आपको मार्ग दिखा देंगे। और जब आप खुद ही प्रामाणिक नहीं है
तो फिर भगवान छोड़ देंगे, फिर रहो खाओ पियो और गैस छोड़ो, है ना। तो भगवान जो है वो आपके रेसिप्रोकेशन से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आप ये देखिए कि मेरा ग्लास अभी तक फुल है क्या, हैव आई अटेम्प्टेड द बेस्ट ऑफ माइन, क्या मैंने मेरा पार्ट पूरी तरह से किया, मुझे दी गई सेवा निस्वार्थ भाव से बिना किसी छल कपट से मैंने किया क्या, ये सवाल आप अपने से पूछिए। और क्या मेरे को सब जीवों के प्रति प्रेम है। एक होता है सेंटिमेंटल, कोई महिला हो सकती है तो उसको हमेशा सेंटिमेंट का ट्यून बजते रहता बैकग्राउंड में, वो अलग हो गया। लेकिन सच में कल को हर जीव कुछ मांग रहा, और क्या मैं दे सकता हूँ, मेरा सब कुछ छोड़ के मैं उसको अपना भाई या बहन समझ सकता हूँ। हमारे एक ब्रह्मचारी मित्र थे, जब हम नए नए ज्वाइन हुए थे 2008 में टेम्पल में, तो हम लोग को सेवा दिया गया था, हर एक डिवोटी को अलग अलग सेवा दिया जाता था। तो वो डिवोटी जो थे वो वैसे मेरे से एक दो साल सीनियर ही थे, पर ज्वाइन साथ में किए थे। तो हम दोनों का सेवा था कि अल्टरनेट डे खिचड़ी बांटना है, मतलब जो प्रसाद बनता है खिचड़ी, तो आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको खिचड़ी बांटना। तो उस दिन उस ड्यूटी का सेवा था, तो मेरा उस दिन नहीं था, तो मैं जाके अपने कपड़ों को धो के, ऐसे कपड़ों को मतलब धोती कुर्ते को हाथ में लेके जा रहा था वहाँ से, और ये ड्यूटी यहाँ पे सेवा कर रहे थे। और जो ही मैं यहाँ से गुजरा तो वहाँ से एक वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर, ऐसा मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते ना वैसे सुंदर गर्ल वहाँ से सामने से आ रही थी, और वो खिचड़ी लेने के लिए आ रही थी, क्योंकि उसको मालूम है मंदिर हो गया, दर्शन हो गया, यहाँ प्रसाद लेते हैं, वो कॉमन सेंस है, इस्कॉन का खिचड़ी पूरी वर्ल्ड में फेमस है, लोग घर पे बनाते हैं, नहीं बनता है, और टेंपल में क्यों बनता है भगवान आज भी नहीं कोई नहीं जानता। तो यू नो वहाँ गई, और जो ही इसको देखा वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि ये ब्रह्मचारी डर गया, ये भाग गया वहाँ से, ये वहाँ से भाग गया, स्टॉल छोड़ के भाग गया। अब भाग गया तो वो लड़की ने मुझे देखा, अब मैं बोला मैं क्या करूँ, तो मेरा भी यही सेवा था, ये चला गया तो अल्टीमेटली मेरा भी सेवा था। फिर मैंने उसको माता जी को एक हाथ से कपड़ा पकड़ा, एक हाथ से खिचड़ी दे दिया, मैं बोला, फिर मैं कपड़ा सुखाने निकल रहा था, तो उसने पूछा कि ये क्यों भाग गए, जो आपके अभी दूसरे जो गुरु जी थे वो क्यों भाग गए। तो मैं बोला नहीं, उनको थोड़ा सेवा आ गया था। बोले नहीं नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला ठीक है, अब क्या कर सकते हो, चले गए ऐसा बोल के। मैंने वो एक्चुअली इसलिए भागा क्योंकि वो डर गया कि अरे बाप रे इतना माया देवी है करके वो भाग गया। फिर 3 दिन बाद, अब देखिए इस व्यक्ति को अभी थोड़ी देर पहले माया लग रहा था, 3 दिन बाद उसी डिवोटी के 3 बड़े सिस्टर्स थे, 3 बहनें जो उसके रिश्तेदार थे, वो आए थे मिलने कि कैसे है हमारा बेटा, कैसे आश्रम में जी रहा है, देखने आए थे। तो मेरा इससे अच्छा रिलेशन था, तो इसने बोला अरे प्रभु आप थोड़ा महाप्रसाद वगैरह ले आइए मेरे रिश्तेदारों के लिए। बोला ठीक है, तो मैं सारा प्लेट में सब महाप्रसाद वगैरह बना के मैं लेके गया, और देखा तो इसको 3 बहनें पकड़ के रो रही हैं, अरे तू चल घर पे, ये वो है ना, और मतलब तीनों भी उसको गले लगा रहे हैं, कोई उसको ऐसा कर रहा है, सब हो गया। मैंने महाप्रसाद दे दिया, शाम में मिला, मैंने बोला इधर आ। मैंने बोला ये बताओ कि कल तो एक 2-3 दिन पहले एक माता जी आई, तो तू टेबल छोड़ के भाग गया, और अभी तो 3-3 माता जी आई और तू वहीं खड़ा था। बोले अरे मेरी बहनें। तो मैंने बोला यही दर्शन तो तुझे अभी लाना है साधना करके, कि आने वाले हर जीव जो है वो भगवान का पेशेंट है, और तुम यहाँ पे एक डॉक्टर की तरह हो, तो ये भाव लाओगे तब बचोगे, ये वरना भाग के क्या बचने वाला है। तो हमको मेजर नहीं करना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि हमारे दर्शन में हम क्या चेंज ला सकते हैं, हमारे चेतना में हम क्या चेंज ला सकते हैं, कि सारा वसुदेव कुटुंबकम हम देख पाएं, ये सारे कुटुंब को, सारे जीव जीवों को, सारे शक्तियों को हम वसुदेव के रूप में समझ पाएं। देखिए कृष्ण को देखना मतलब 3 चीजों को देखना, कृष्ण और उनके सारे अवतारों को सेम लेवल पे देखना, कृष्ण और उनकी सारी शक्तियों को उनसे अभिन्न समझना, ये नहीं समझना है ये अलग शक्ति ओनली कृष्ण, नो, आपको वो भी समझना चाहिए। और तीसरा है, आपको समझना चाहिए कि सभी जीव जो हैं, आप मैं सभी जीव जो हैं, हम सब जीव भी भगवान के अंश हैं, तो सभी जीव को उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना आप कृष्ण को करते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। कभी कभी कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान का सेंटिमेंटल फॉलोअर बन जाता है और भक्तों से प्रेम नहीं करता, तो भगवान कहते वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है, और जो कहता है वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। तो इसका विस्तार हम कल करेंगे। कल के सेशन में हम भगवान के साथ जुड़े हुए जो रस हैं अलग अलग, उस रस से कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान हम कर सकते हैं, और उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे, कैसे उन्होंने अन्य लोगों के साथ वो रस आस्वादन किया, ये तत्व समझना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप ईश्वर तत्व नहीं समझ पाएंगे। और एक बार ये कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ, तो फिर मैं आपको टेक्निकल पार्ट जो है
क्रिएशन से रिलेटेड वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम थोड़ा देर कीर्तन करेंगे, ठीक है। और कीर्तन करते करते जो है, अगर आप चाहें तो हम ऐसा करेंगे, आज शंकराचार्य का जो भजे व्रजे का मंडनम है, कृष्णाष्टकम है, मोबाइल आने लगे किशोर, तो हमारे भक्तों ने भी, हम लोग सुबह पाठ करते हैं, हमारे भक्त सुबह 3:30 बजे उठ के 3:30 से 4:30 इसको अलग अलग पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त, श्री सूक्त, सारे होम यज्ञ, कृष्णाष्टकम, हाँ, निर्वाणाष्टकम, ये सब पाठ करते हैं। उस दिन मैंने आपको ईशोपनिषद हम भक्तों ने गा के दिखाया। आज हम लोग ऐसे ही, पहले थोड़ा शंकराचार्य ने ये कृष्णाष्टकम लिखा है जिसमें पूरी तरह से बहुत सुंदर कृष्ण का वर्णन किया है, और उसको हम आज सुनेंगे। और तो ये बहुत सुंदर है, आप लोग इसको सुनिए, और उसके बाद हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे, है ना। तो रेगुलर आते रहिए, अभी 10:15 बजे जो नहीं मालूम है उनको बताइए आप। और मेरा जो फ़ोटो आपने देखा होगा फेसबुक पे आया हुआ, वो चंद्र प्रभु ने उसको एडिट करके भेजा था, तो मैंने जस्ट उसको पोस्ट किया, ठीक है। और मनमोहन जी, आपका बर्थडे है मनमोहन जी, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और बाकी सब ड्यूटीज़ को भी धन्यवाद, कुछ लोगों ने मुझे आर्थिक रूप से डोनेशन भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम कृष्णाष्टकम गाते हैं, हम लोग गाएंगे मीनवाइल श्याम प्रभु और करुणा अवतार प्रभु सत्यजीत प्रभु भी हमारे साथ गाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छा गोच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं नंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविंदभूधरं स्मितावलोकसुंदरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णनागरं रंगवत्सुनु नकुंडलं सुचारुगंडमंडलं गणैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया सगोपयासनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि कुञ्जनायकं पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमोत्तमालकं नमामि नन्दबालकं भूमिस्तकोशोषणं समस्तलोकपोषणं गोपमानसं नमामि गोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं संगिनं सदा सदालसंगिनं दिने नवं नवं नमामि नंदसंभवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपदुन्दनं हृदाम्बुजैकमोदनं नमामि मुञ्जमाद्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् कामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवहनिपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्
प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यदित्ययः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। श्री कृष्णाष्टकम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna.
हमारी नाम संकीर्तन की जय। तो कल बने रहिएगा कृष्ण तत्व पे, हमारे और 5 सेशन बचे हैं, और डीप ले जाएंगे। ठीक है, कृष्ण को समझिए, भाव को समझिए, नारायण को समझना है, विष्णु को समझना है, तो इसलिए बने रहिएगा, रेगुलर टाइम पे आइए। लाइव सुनने में अलग आनंद आता है, लाइव है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।